मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, 10th डे जर्नी स्टार्ट कर रही हूँ जम्मू की तरफ। हम लोग आज वैष्णो देवी जाएंगे, कल वहां से वैष्णव देवी दर्शन करने के लिए निकलूंगी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो 10th डे आज के 10 दिन यात्रा, 10 डे जर्नी स्टार्ट कर रही हूँ। चलो लेट्स गो। रूम छोड़ रही, होटल छोड़ के आगे जा रही हूँ। ये है पठानकोट, ये हिमाचल प्रदेश, पंजाब और जे एंड के का जम्मू कश्मीर का बॉर्डर है। 10 किलोमीटर आगे जम्मू कश्मीर, 10 किलोमीटर पीछे हिमाचल और इसी जगह है पंजाब। चलो हम लोग ऑलरेडी 8 स्टेट क्रॉस कर लिया, जम्मू कश्मीर होने के साथ साथ ही 9th नंबर स्टेट हो जाएगा। चलो आ जाओ, होटल छोड़ के हम लोग आ रहे हैं। चलो आ जाओ, लाइन स्टार्ट कर रही हूँ। चलो झोना भी पेमेंट कर रहे हैं, होटल काले धोरा तो झोना भी पोड़े जो नहीं बना है, है धोरा थोड़ा धोरा को गाड़ी क्लीन कर रही हूँ। उसके बाद हम लोग पठानपुर छोड़ के आगे जाएंगे। गाड़ी थोड़ा साफ कर रही हूँ। गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, 10th डे जर्नी स्टार्ट कर रही हूँ। हम लोग कल मनाली से यहाँ धर्मशाला होके पठानकोट आ गए हैं। अब हम लोग बॉर्डर में है हिमाचल, पंजाब और जे एंड के का, जम्मू कश्मीर का। आज हम लोग जा रही हूँ वैष्णो देवी, यहाँ से 6-7 घंटा लगेगा। चलो 8:30 हुआ है, 8:35, चलते हैं 10 डे जर्नी स्टार्ट। हम लोग स्टार्ट किया है वेस्ट बंगाल से, झारखंड, बिहार, यूपी, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उसके बाद पंजाब। चलो बोलो तब दीदी, पंजाब थोड़ा बोलो, पंजाब और बोती जाची। हमरा एक पंजाब और बोती जाची, 8 नंबर स्टेट अतिक्रम करछी। पंजाब বৃহত্তম সামরিক ঘাঁটি দেখলাম, সেই জন্য আমরা রাস্তায় যাচ্ছি, বিভিন্ন জায়গায় দেখছি সামরিক ঘাঁটি, বিভিন্ন জায়গায় পুলিশ দাঁড়িয়ে আছে। আর এখানে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বেশ সুন্দর, বেশ ভালো লাগছে। ভালোই রাত কাটালাম, আবহাওয়া ভালো ছিল, ঝরঝরে রোদ্দুর জল দিন, पठानकोट सिटी से नहीं, हम बाईपास होके आ गए हैं। तो वहाँ पर ही बाईपास के पास में ही एक रिसोर्ट में हम लोग रुके थे। यहाँ पर देखो बोर्ड लिखा हुआ है, वैष्णो देवी जा रही हूँ हम लोग। मनाली से हम लद्दाख नहीं जा पाए क्योंकि जो इतना बर्फ गिरा है वो बंद हो गए रास्ता। श्रीनगर 337 जम्मू सीधा। चलो चलते हैं, वैष्णो देवी होने के बाद हम जाएंगे श्रीनगर, श्रीनगर हो गए हम लद्दाख जाएंगे। चलो देखो यहाँ पर वेलकम कर रहे हैं जम्मू कश्मीर, 9 नंबर स्टेट है ये। चलो यहाँ पर गाड़ी का नंबर लिखाने का जरूरत है, लेकिन हम लोग का गाड़ी देख के गाड़ी का नंबर नहीं लिखाया। ये है जम्मू कश्मीर, 9 नंबर स्टेट जम्मू कश्मीर में हम लोग आ गए हैं। हाँ सीधा चलो, एक बार इस बार फीलिंग्स बोलो कुछ तब दीदी, आ जाओ आगे।
বলো ঝর্ণা দিদি ম্যাপ ভারতের ম্যাপ জম্মু কাশ্মীর মাথায় আইসক্রিমের মতো বসে আছে কিন্তু কোনোদিন ডিঙোতে পারেনি তার সীমানা এবারে সুতপার দৌলতে সেই সীমানা ডিঙিয়ে গুরুর কৃপায় জম্মু কাশ্মীরের পথে চলেছি বৈষ্ণোদেবী ছোটবেলায় শুনিনি বড় হয়ে শুনেছি বৈষ্ণোদেবীর কথা রাস্তা নাকি ভীষণ ভালো আমরা পঞ্চকেদার করে এসেছি এই জন্য একটু নিশ্চিন্ত যে কোনো অসুবিধে হবে না আর ইচ্ছে থাকলে উপায় হবে সেই ইচ্ছে নিয়েই আজকে যাচ্ছি দেখো জম্মু কাশ্মীরের देखो ये लद्दाख तक जाएगा NH1 यहाँ पेट्रोल का लीटर 97.49 चलो टैंकी फुल कर रही हूँ जम्मू पे हूँ ये जम्मू कश्मीर हम लोग का 9th नंबर स्टेट है यहाँ पर टैंकी फुल करके हम कटरा की तरफ जाऊंगी वैष्णो देवी ठीक है एक्चुअली टैंकी फुल ही है ओके थैंक यू हाँ ना नहीं कट करो क्योंकि थोड़ा खाली होना चाहिए लॉन्ग चल रहे हैं ना 100% हो गए हैं देखो ब्रेक ले रही हूँ 8 बजे स्टार्ट किया है 2:10 हुआ है ब्रेक ले रही हूँ यहाँ पर तरबूज खाऊंगी वाटरमेलन ये जम्मू है देखो यहाँ से तो अभी भी 65 किलोमीटर है वैष्णो देवी मंदिर तो हम लोग जम्मू पे ये क्रॉसिंग में है देखो ये जम्मू क्रॉसिंग जम्मू शहर के ऊपर दिए जाच्छी विशाल चौड़ा रास्ता फुटपाथ আছে আবার টু লেনও বলা যাবে না কলকাতার যাওয়ার পরে আর এসব রাস্তাকে ফাঁকাই মনে হয় অনেকক্ষণ ইচ্ছে ছিল আমাকে এই বাউন্ডারির গাছগুলো ফুলের গাছগুলো দেখানোর যখনই দেখাতে যাই ফুল নেই এবার দেখছি ফুলগুলো আছে বেশ ভালো লাগছে সকাল থেকে যাচ্ছে দেখো সবজি নিয়ে কিভাবে সবজি বেচতে যাচ্ছে দুই মহিলা মানে হার্ডওয়ার্ক হার্ডওয়ার্ক পুরুষ মহিলা সবাই কাজ করে সব সব পুরুষ মহিলা দুজনেই সমানভাবে কাজ করে রাস্তা দুধারে ফুলের পাহাড় মে মাস বলেই বোধহয় মে জুন মাসে সুন্দর गाड़ी चले गए
বাপরে বাপ কিভাবে গাড়িটা গেল। চলো টানেল ফিনিশ হ্যায় বহুত হি সুন্দর লাগ রহে হ্যায় কশ্মীর বিউটি কশ্মীর কা জলদি কুছ বলোগে ওর ভি এক টানেল আ রহে হ্যায় 40 স্পিড টানেল কে আগে পিছে দেখাই দে রহে হ্যায় বড়তি আর ওটা দেখি 140 তে গেল হ্যাঁ ইয়ে বন মানা হ্যায় ইয়া পর ওরে বাপ রে ইয়ে দেখো টানেল কে অন্দর সে যা রহি হু छोटा टनल है दो टनल हम लोग क्रॉस किया है हम अराकू जाएंगे तो 49 टनल आएगा ऐसा अरकू गली अरकू मैं जब मुंबई से पुणे तक गया था उधर भी बहुत सारे टनल था ऐसा और भी एक टनल ठीक ही बोला पांच मिनट लेने के लिए बोल रहे हैं ये टनल क्रॉस करने के लिए चलो टनल का अंदर से जा रही हूँ मेरे कुछ बड़ों का हाँ ये है जब से और भी टनल है और भी टनल है टनल के पार टनल है रास्ता जल्दी आ गए हैं देखो टनल आप लोग जा रहे हैं वैष्णो देवी कटरा की तरफ कटरा से उधमपुर से जाना पड़ेगा और देखो एक टनल है टनल फिनिश होते हुए और एक टनल वाह झरना दी आप बोला आप ऐसा टनल के अंदर से गए थे लास्ट जब आए थे बोला बिल्कुल नहीं अरे ये टनल का तो लास्ट नहीं दिखाई दे रही है ये लंबा टनल है शायद ये लंबा टनल है हाँ ये तो एंडिंग वाला पार्ट दिखाई नहीं दे रहे हैं ये लंबा टनल है ये टनल का एक ये सुविधा क्यों है एक ही साइड जाते हैं आते नहीं है ये वन वे है लेकिन कहां से है आते कहां से आ दूसरे जगह है ना दूसरे टनल है अरे बाप रे बाप ये वादी की घूमो हां वादी के मैं एक बार चलाती हूं लाइट ना वो लाइट जलाने लोग दे पीछा हुआ बोले ये जगह आस्ते धीरे-धीरे ये टनल शायद फिनिश होगा फिनिश हुआ है फिनिश होगा टनल चलो ये थोड़ा लंबा टनल था तीन नंबर टनल फिनिश किया चलो क्या है वो देखो सीनरी देख रहा है वो लोग भी जम्मू पे हूँ हम लोग यहाँ और आगे जो ब्लू वाला शेड दिखाई दे रहे हैं रास्ता जैसा वो है वैष्णो देवी जाने वाला रास्ता ये पहाड़ ऊपर हो चली है वैष्णो देवी इसी पहाड़ों का ऊपर में है वैष्णो देवी यहाँ पर हम कटरा में आ गए ये है कटरा नाम की फाइनली फिनिश किया 10th डे गाड़ी जर्नी 10th डे यहाँ पर हम लोग आ गए वैष्णो देवी जाऊंगी हम लोग दर्शन करेंगे वैष्णो देवी इसीलिए हम लोग आ गए ये कटरा पे कटरा यहाँ पर होटल भी ले लिया है और गाड़ी से सामान निकल रही हूँ 10 डे जर्नी फिनिश कटरा पे हम लोग आए हैं कौन सा जगह से स्टार्ट किया है हाँ सुबह 9 बजे कौन सा जगह से नहीं 8-10 पे स्टार्ट किया पठानकोट से हम लोग स्टार्ट किया यस पठानकोट से स्टार्ट किया है हम लोग 8-15 ऐसा कुछ होगा तो ठीक है चलो फिनिश किया 10 डे जर्नी हम आ गए कटरा पे ये कटरा में ये थी बेड पहली बार हम लोग ये सफर में 10 दिन हो गए हैं 10 दिन में पहली बार हम लोग 3 बेड वाला रूम लिया है ये 1200 है एसी वाला बाथरूम इतना बड़ा नहीं है लेकिन तब भी ठीक ही है चलो 2 दिन यहाँ पर रुकना पड़ेगा कटरा अच्छा यहाँ पर देखो सिप ले रही हूँ बेंगल का सिप काम नहीं कर रहे चेन के का सिप
आज जम्मू कश्मीर और लद्दाख में चलेगा। चलो यहाँ पर सिम चेंज कर रही हूँ, नया वाला सिम ले रही हूँ। देखो नया सिम लिया।